नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी 2022 एग्ज़ाम डेट न्यूज टुडे। बीएड वालों के लिए आ गई है खुशखबरी। पूरे देश के बीएड पास अभ्यर्थी हुए एकजुट। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 पर कोर्ट के फैसले का असर, जानिए सब कुछ इस वीडियो में शुरू से लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर पर, फेसबुक पर जैसे सोशल मीडिया पर छा हुआ है। बीएड अब पास अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल। केंद्र सरकार व एनसीटी संशोधित गजट लाई। रविवार को सलोरी में हुई संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार एवं एनसीटीई को संशोधित गजट जारी कर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए। जिन लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटीई के गजट 28 जून 2018 के बीएड डिग्री हासिल की है उन्हें सजा देना कहां तक उचित है। बीएड प्रशिक्षितों के हित में अध्यादेश लाए केंद्र सरकार, ये देहरादून से उत्तराखंड से भी बात उठने लगी है। बेसिक शिक्षा भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को राहत देने के लिए एनसीटी की अधिसूचना निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत देश भर में बीएड प्रशिक्षित एकजुट हो गए हैं। केंद्र सरकार से इस विषय पर अध्यादेश लाकर राहत देने की मांग कर रहे हैं। सभी बीएड अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं और अध्यादेश में संशोधन लाने की और नया अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं। अब यही आवाज़ पूरे देश भर में उठ रही है। पूरे देश भर के युवा बीएड पास एकजुट हो गए हैं और सबका एक ही सुर में आवाज़ उठ रही है कि एनसीटीई को पुनर्विचार करना चाहिए और नया अध्यादेश लाना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस बारे में कदम उठाना चाहिए और राज्य सरकार भी इनके हित के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर नहीं पड़ेगा कोई असर। शर्त न होने से बच गए बीएड वाले। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने 24-26 अगस्त के बीच होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन करने की बात कही है। हाल ही में आईएससी के आदेश के तहत उम्मीदवारों को किसी भी भ्रम में ना रहने की अपील की गई है। अर्थात अब यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा 24 और 26 अगस्त के बीच ही होगी। इस पर कोई संकट नहीं है। अभ्यर्थियों से हिदायत दी जाती है कि वे अपनी तैयारी। अतुल प्रसाद जी ने बताया कि अब तक प्राथमिक शिक्षकों के लिए परीक्षा रोकने का कोई कारण नहीं है। सरकार को इस मामले में नीतिगत निर्णय लेना चाहिए और हमें अभी तक इस मामले में कोई संदेश नहीं मिला, जिसका मतलब यह है कि परीक्षा अभी जारी है, शिक्षा समवर्ती सूची में है और केंद्र की तरह राज्य भी अपने नियम बना सकता है। राज्य सरकार क्या नियम बनाएगी और किस स्तर पर बनाएगी यह हमें पता नहीं है। संभावना के चलते परीक्षा को रोकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन कैंडिडेट्स के साथ अन्याय होगा जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। ये बात हो रही है बीपीएस परीक्षा की, अर्थात बिहार शिक्षक भर्ती की। अब इस पर कोई संकट के बादल नहीं है यह परीक्षा। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।